व्यवस्था विवरण अध्याय 29 व्यवस्था विवरण अध्याय 29 इसराइलियों से जिस वाचा के बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी थी उसके यही वचन है और जो वाचा उसने उनसे होरे पहाड़ पर बांधी थी यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलाकर कहा जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया वह तुमने देखा है। वे बड़े बड़े परीक्षा के काम और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए हुए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। और जब तुम इस स्थान पर आए अब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया और रूबेनियों गादियों और मनुष्य के आधे गोत्र के लोगों का निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग क्या सरदार तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इसराइली पुरुष क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां क्या लकड़हारे क्या पनभरे क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है उसमें तू साझी हो जाए इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहिम इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहां हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहां हमारे संग है संग नहीं है साझी करता हूं। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष व स्त्री व कुल व गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विश्व कड़ुआ बीज उगाए और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीष के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के ईंट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहां तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है वरन सदोम और अमोरा
अदमा और सबोईम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उसके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं।